सो वेलकम बैक गाइज इन टू न्यू वीडियो। और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं IPL 2023 के दिल्ली कैपिटल्स की टीम की फुल रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट, और साथ में न्यू टारगेट की भी बात करेंगे और अगले साल की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है इसकी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हम रिटेन प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज रिटेन दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2023 के लिए कर सकती है ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, एंड्रिक नोकिया, अक्षर पटेल, मिचेल मार्च, रोमन पावल, ललित यादव, कुलदीप यादव, खलील अहमद, चेतन साकरिया, लुंगी एनगिडी, प्रवीण दुबे, त्रिपल पटेल, यश धुल, विक्की ऑक्टल, अश्विन इब्बर, इन प्लेयर्स को कर सकती है। लेकिन मेन चीज़ होता है रिलीज किन प्लेयर को कर रही है। तो गाइज रिलीज ये टीम इन प्लेयर्स को कर सकती है, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, टिम साइफर्ट, के एस भारत, मंदीप सिंह, सरफराज खान और कमलेश नगर टूटी। गाइज यही इसमें सबसे बड़ा नाम आप शार्दुल ठाकुर का देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ शार्दुल ठाकुर का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, 10 करोड़ में आपने लिया था और 10 करोड़ लायक वो खेले नहीं थे। तो गाइज अब बात हम कर लेते हैं इस टीम की फाइनल प्लेइंग 11 मेन होती है उसी की कि अगले साल इस टीम की प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनर्स की। तो गाइस डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ अगले साल भी इनकी ओपनिंग करेंगे, बट आपको क्या बाय करना होगा ऑप्शन में, एक अच्छा बैकअप ओपनर, बिकॉज पिछले साल हमने देखा था दिल्ली काफी स्ट्रगल कर रही थी जब पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग के मैचों में हमने देखा था स्टार्टिंग 2-3 मैच में डेविड वार्नर नहीं आए थे, तो पृथ्वी शॉ के साथ टिम साइफर्ट ने ओपन की थी और टिम साइफर्ट उतनी अच्छी ओपन कर नहीं पा रहे थे। और जब पृथ्वी शॉ में इंसर्ट हो गए थे तो हमने देखा था मनदीप सिंह और सरफराज खान जैसे प्लेयर्स ओपन कर रहे थे, तो वहाँ पे भी दिल्ली स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज ये दोनों अच्छे परफॉर्म नहीं दे पा रहे थे टीम के लिए। तो गाइस आई मीन एक अच्छा बैकअप ओपनर ढूंढना होगा दिल्ली को ऑप्शन में जाके, क्योंकि अब रिलीज़ कर रहे हो टिम साइफर्ट को, तो एक अच्छा बैकअप ओपनर आई मीन हो सकता है। इवन लुइस को अगर लखनऊ रिलीज़ करती है तो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप ट्रेडिंग में भी दे सकते हो टिम साइफर्ट को, कहीं से भी ऑफर आपको मिल सकता है अच्छे बैकअप ओपनर। तो गाइज अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की। तो गाइज मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास हर को खेलने के लिए मेन 11 में तीनों बल्लेबाज, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत और रोमन पावल, बट आपको एक अच्छा बैकअप ढूंढना होगा। लास्ट ईयर भी अच्छा बैकअप नहीं था इनके पास, मिचेल मार्श नहीं थे तो नंबर 3 पे कोई भी खेल जाता था। तो गाइज आई मीन एक अच्छा बैकअप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ढूंढना होगा, और आई मीन अगर अंबती रायडू या रॉबिन उथप्पा जैसे प्लेयर्स को अगर चेन्नई रिलीज़ करती या फिर चेन्नई से आप ट्रेडिंग की बात भी कर सकते हो शार्दुल ठाकुर के लिए, तो आपको मिल सकता है अच्छे बैकअप बैकअप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज भी, या फिर आप विदेशी पे जा सकते हो हाई रेटर बैकअप बल्लेबाज, तो आई मीन रिसी वेंडर डसन मिल सकते हैं आपको, बेस्ट ऑप्शन होंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं हम लोअर ऑर्डर की। तो गाइस लोअर ऑर्डर में दिल्ली के पास बैकअप तो है नंबर 7 के लिए प्लेयर है, बट नंबर 6 के लिए प्लेयर नहीं है। नंबर 6 पे एक अच्छा प्लेयर ढूंढना होगा, क्योंकि आप शार्दुल ठाकुर को जब रिलीज़ कर रहे हो तो नंबर 6 के लिए एक अच्छा प्लेयर चाहिए होगा आपको। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स और टेलेंडर्स की। तो नंबर 8 पे कुलदीप यादव, नंबर 9 पे एंड्रिक नोकिया, नंबर 10 पे खलील अहमद, और नंबर 11 के लिए भी आपको एक अच्छा प्लेयर बाय करना होगा, बिकॉज आप हाँ बैकअप में चेतन साकरिया और लुंगी एनगिडी नंबर 11 पे खेल सकते हैं, बट इन दोनों की आई मीन मेन 11 में जगह नहीं बनती, क्योंकि आप एक अच्छा बॉलर ढूंढ रहे हो, आप शार्दुल ठाकुर को हटा के इन दोनों को मेन 11 में ला दे रहे हो चेतन साकरिया जैसे बॉलर को, तो इतना मजा नहीं है कि शार्दुल ठाकुर वाली ये पावर नहीं रखते हैं। तो गाइस एक अच्छा बैकअप इंडियन बॉलर, माफ कीजिए, एक अच्छा इंडियन बॉलर चाहिए होगा आप, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को जब रिलीज करोगे तो गाइस बात भी कर सकते हो शार्दुल ठाकुर की ट्रेडिंग के लिए RCB जैसी टीमों से, क्योंकि वो रिलीज करने वाली है आई मीन मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर्स को, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो फाइनली पसंद आई होगी, तो गाइस अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिना करे ना जाइएगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।